बाज रहा, लेकिन फिर भी बजा दिया। और क्या ओपनिंग सेरेमनी किया भाईजान रोमन प्रीमियर लीग की, मतलब क्या सहावी है, इतना पैसा इंडिया कहां से लेके आता है, बस मुझे इतना बता दो। मतलब जितने भी मेरे इंडिया वाले फैंस देख रहे हो भाई, आप इतना पैसा कहां से लेके आते हो कि आपने, आईपीएल की बात नहीं कर रहा, वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ, डब्ल्यूपीएल की, आपने वहां शाहरुख खान को हायर कर लिया है। इंडिया अपनी एक वुमेन प्रीमियर लीग से पूरा पाकिस्तान खरीद सकता है, कर्जा उतार देगा। हम खुद एक स्पोर्ट्स गर्ल्स हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, स्पोर्ट्स गर्ल्स की, ना स्पोर्ट्स की कोई वैल्यू है। सही है, अभी मैं न्यूज देख रही थी, ये देखें इंडिया में लड़कियां कितनी महंगी बिक रही है, ठीक है। आईपीएल का जितना बजट होता है ना, उतना तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान का बजट। आपने वहां शाहरुख खान को हायर कर लिया है, शाहिद कपूर को हायर कर लिया है, कार्तिक आर्यन को हायर कर लिया है, टाइगर श्रॉफ को हायर कर लिया है, और इधर हमारी वो टूटी पजी फुद्दड़ किस्म की पीएसएल तहस नहस पीएसएल में, मैंने ओपनिंग सेरेमनी अभी 5-6 दिन पहले पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी भी हुई है, अजीब कोई फुद्दड़ किस्म की ओपनिंग सेरेमनी थी ना, कोई पाकिस्तान का एक्टर, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाला बंदा आपको उधर नजर नहीं आया। आज जो डब्ल्यूपीएल का आगाज होने जा रहा है, एक हिस्टोरिकल दिन है आज इंडियन क्रिकेट में, और यकीन माने के ये एक जो है नई तारीख लिखने जा रहा है इंडिया, क्योंकि वो हर काम हिस्टोरिकल होता है जो उससे पहले कभी किसी ने ना किया हो। बॉलीवुड के मतलब जाने माने नाम भाईजान वुमेन प्रीमियर लीग में आ गए हुए थे ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर, और क्या फिर उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की है, मतलब यार जिस तरह फायरवर्क्स था या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह जो है वो आसमान में जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह फायरवर्क्स किया गया, मतलब लिटरली लग रहा था कि फुटबॉल फीफा फुटबॉल की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है। पाकिस्तानी वुमेन का आपको पता स्पॉन्सर कौन है? मेन डेरी मिल्क, और जो मेरा छोटा भतीजा खाता हो चॉकलेट। मैं खुद स्पोर्ट खेलती हूँ, यहाँ पे मुझे कोई मतलब मौका ही नहीं मिला अपना हुनर दिखाने का, अगर मैं इंडिया में होती तो वो वहाँ पे आज मैं था बाजरा, लेकिन फिर भी बजा दिया। और क्या ओपनिंग सेरेमनी किया भाईजान रोमन प्रीमियर लीग की, मतलब क्या सहावी है, इतना पैसा इंडिया कहाँ से लेके आता है, बस मुझे इतना बता दो। मतलब जितने भी मेरे इंडिया वाले फैंस देख रहे हो भाई, आप इतना पैसा कहां से लेके आते हो कि आपने, आईपीएल की बात नहीं कर रहा, वुमेन प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूं, डब्ल्यूपीएल की, आपने वहां शाहरुख खान को हायर कर लिया है, शाहिद कपूर को हायर कर लिया है, कार्तिक आर्यन को हायर कर लिया है, टाइगर श्रॉफ को हायर कर लिया है, और इधर हमारी वो टूटी पजी फुद्दड़ किस्म की पीएसएल तहस नहस पीएसएल में, मैंने ओपनिंग सेरेमनी अभी 5-6 दिन पहले पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी भी हुई है, अजीब कोई फुद्दड़ किस्म की ओपनिंग सेरेमनी थी ना, कोई पाकिस्तान का एक्टर, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री वाला बंदा आपको उधर नजर नहीं आया होगा। पहली तो बात है हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी फारग है, हमारे उसमें भी बिल्कुल कुछ भी आपको चीजें नहीं मिलेंगी, वहां भी फुद्दड़ पसी है, वहीं घंटे बजते रहते हैं, वहां भी घंटे पड़े हुए हैं, ठीक है, वहां भी कोई इतनी खास चीज नहीं, पहले आपको यह बता दूं, लेकिन बंदा फिर भी उधर कोई नजर नहीं आया। ओपनिंग सेरेमनी इन्होंने फजूल किस्म की किया है, उधर आरफ लवार को बुला लिया, वो चिमटा लेके अपना आ गया, फुद्दड़ ऐसे मुजरा हो रहा है या ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, नहीं मुझे बता दो, मुजरा हो रहा है ओपनिंग, चिमटा लेके अपना आ गया, तब 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 उसने शुरू कर दिया उधर आगे। ओ भाई ओपनिंग सेरेमनी आप देख रहे हो जिस तरह डब्ल्यूपीएल की हुई है, शाहरुख खान भाई आपकी इतनी औकात भी नहीं है, आप ख्वाबों में भी नहीं सोच सकते कि शाहरुख खान जैसे इतनी बड़ी सेलिब्रिटी को आप हायर कर लो अपनी किसी आईपीएसएल में, और भाई उसका आधा भी हायर कर लोगे ना तो मैं बात मान लूंगा। चलो शाहरुख खान को छोड़ दो, सिद्धार्थ मल्होत्रा को कर लो, कार्तिक आर्यन को कर लो, शाहिद कपूर को कर लो, बॉलीवुड के मतलब जाने माने नाम भाईजान वुमेन प्रीमियर लीग में आ गए हुए थे ओपनिंग सेरेमनी के ऊपर, और क्या फिर उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी की है, मतलब यार जिस तरह फायरवर्क्स था या जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह जो है वो आसमान में जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह फायरवर्क्स किया गया, मतलब लिटरली लग रहा था कि फुटबॉल फीफा फुटबॉल की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, मुझे तो ये लग रहा था, मुझे कहीं से भी ये नहीं था लग रहा कि भाई ये वुमेन प्रीमियर लीग, यार मेरी बात सुनो, वुमेन प्रीमियर लीग की अब लड़कियों को कौन कोई इतनी फोकियत देता है, कौन देता है, आईपीएल की होती मैं कहता यार ठीक है, लेकिन वुमेन्स प्रीमियर लीग यार, इधर हमारी लड़कियां उनके घर में वो मोटरसाइकिलों पे जाती हैं, एयरपोर्ट से घर मोटरसाइकिलों पे जाती हैं, जब क्रिकेट खेल के आती हैं ना, गाड़ियां भी नहीं है उनके पास, हमारी पीसीबी ने उनको फुदड़ों ने कख भी नहीं दिया हुआ, और इधर इंडिया की वुमेन्स भाई करोड़पति हैं वो, अरबपति हैं वो, उनके पास पैसा ही पैसा है, उनका बोर्ड उनको हर किस्म की फैसिलिटीज देता है, आप इधर से अंदाजा लगा लो यार, जब सोचो जब आईपीएल होगा तो तब कौन सी तबाही होगी, अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग में ये तबाही करवाई गई है, जिसमें इतने इतने बड़े सेलिब्रिटी आए हैं, इतने इतने बड़े, शाहरुख खान, मतलब मैं शाहरुख खान की बात करूं ना बेटा, शाहरुख खान का मैं बहुत बड़ा फैन हूं, बहुत बड़ा फैन, शाहरुख खान इस सेज में भी किसी की आंखों में देखे ना लड़की को बेटा प्यार हो जाता है, इस सेज में भी वो बंदा किसी की आंखों में उससे बेहतर कोई आंखों में देख नहीं सकता, तो अभी भी किसी की आंखों में देखे ना भाई, लड़की साफ फ्लैट हो जाए उधर ही, लड़कियां मेरा ये वीडियो देख रही होंगी नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, हाँ शाहरुख खान आपको अभी भी देखे
उसी तरह उसी 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 हाइप में फ्लैट हो जाओगी ना, हो जाओगी भाई। शाहरुख खान जैसे बंदे को उन्होंने हायर किया उधर, आपने मेरा छनकना हायर किया हुआ था उधर, बजा दिया पकड़ के यार उन्होंने आपकी, उकात आपकी एक्सपोज हो रही है हर जगह के ऊपर, पीएसएल की ग्राउंड आपके खराब है, फुद्दल किस्म के आपके ग्राउंड है यार, लिटरली पाकिस्तान पीएसएल में जो ग्राउंड हो, पीएसएल जहां ग्राउंडों में हो रही है, यकीन करो उनकी छत खराब है, और ऊपर से ड्रोन के शॉट लेते हैं, छत खराब है इन फुदड़ों की, इन फुदड़ों की छत खराब है। पिंडी में छाती वाली कुर्सियां, मुल्तान का जो स्टेडियम है वो स्टेडियम कम और कोठा ज्यादा लग रहा है, क्योंकि उसकी लुक बिल्कुल कोठे वाली है भैया ना। आईपीएल वुमेन प्रीमियर लीग देखो, चिन्ना स्वामी में उसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई है, ऐसे लग रहा था मुझे, लिटरली लग रहा था जिस तरह फीफा की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, ये मैं सच बात कर रहा हूँ, मुझे फीफा की ओपनिंग सेरेमनी वाली बिल्कुल वाइब आ रही थी यार, जिस तरह फायरवर्क्स किया गया, या जिस तरह शाहरुख खान ने फिर डांस किया आगे, या जिस तरह जो शाहिद कपूर की जो भी रोल था उसने अदा किया अपना, सिद्धार्थ मल्होत्रा, टाइगर श्रॉफ, इतने इतने बड़े, इतने इतने बड़े नाम बॉलीवुड के, बेटा उन सोचा भी उन्होंने कितने पैसे लिए होंगे, कितनी बड़ी गेम पड़ी होगी उधर, जितने अकेला शाहरुख खान पैसे ले गया ना, इतने अकेले में ना मैं 10 बार पीएसएल करवा सकता हूँ, 10 बार पीएसएल हो जाती है, और अच्छी पीएसएल, ये खुदड़ पीएसएल नहीं। तो थोड़ा सा ना सीख लो इन चीजों से, थोड़ा सा इन चीजों से सीख लिया करो, कि वो देखो किधर से किधर जा रहे हैं, मतलब वो औरतों की लीग को, वुमेन्स प्रीमियर लीग को कितनी ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, और हम पीएसएल को बेड़ा गर्क कर रहे हैं, दबा दिया जाए यहाँ पे औरतों को, सिर्फ पढ़ाया जाता है वो भी एक अच्छे रिश्ते के लिए। अच्छा, इंडिया जो है वो अपनी स्पोर्ट पे पैसे लगाते हैं, और जो हमारे पाकिस्तानी है वो कहीं पे भी नहीं लगाते, वो अपनी जेब में रखते हैं। मैं खुद स्पोर्ट खेलती हूँ, यहाँ पे मुझे कोई मतलब मौका ही नहीं मिला अपना हुनर दिखाने का, अगर मैं इंडिया में होती तो वो वहाँ पे आज मैं यहाँ पे नहीं, पता नहीं कहाँ पे होती। यार आप देखे वुमेन आईपीएल के जो मीडिया राइट्स है वो 3500-3600 करोड़ रुपए के बिके हैं, और पाकिस्तान के आप पीएसएल, मेन पीएसएल के राइट्स है वो किसी कार्य के नहीं है, वो सिर्फ आप जियो सुपर या एयरवाइज ऐप पे देखते हो, मतलब कि आप आईपीएल कम्पीट करो पीएसएल के साथ, आईपीएल बहुत आगे भाई, आईपीएल ने वुमेन आईपीएल अब प्लेयर डेवलप करेगी, प्लेयर अच्छे लेकर आएगी जो कि वो इंडियन वुमेन टीम को बड़ा फायदा होगा। पैसों की ऐसे बारिश हुई कि यहाँ पर हमारे यहाँ पाकिस्तान में सोशल मीडिया में, ट्विटर पर हर जगह चलना शुरू हो गया कि यार ये तो पीएसएल से भी ज्यादा पैसे दे रहे हैं। जब हम पाकिस्तान की पीएसएल के हिसाब से देखेंगे तो उस्मान तो फिर ये तो वुमेन प्रीमियर लीग भी हमसे नंबर ले गई है, इनकी लड़कियां हमारी पाकिस्तानी टीम से ज्यादा आगे निकल गई हैं, और अब तो मुझे अफसोस है कि मैं ये मेरे पास कोई बात नहीं करने के लिए यार। वुमेन्स आईपीएल में जो उनकी औरतों को पैसा मिलता है ना, वो आपकी पता है उससे जिसको कहते हैं ना ऊपर चला जाता होता है। अगर मैं बात करूं तो मैं आज भी देख रहा हूं 10-10 लाख जिसकी बेस प्राइस है 2-2 करोड़ की, वो लड़कियां बिक, हम तो कहते हैं आफ्टर आईपीएल सेकंड बिगेस्ट लीग पीएसएल, यहां तो वुमेन्स प्रीमियर लीग ने हमारी आंखें खोल दी जिस तरह की बेट्स लगी उन्हें पाकिस्तानी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसी प्रकार का भविष्य में वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो भविष्य में देखने को मिलता रहेगा, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले।